झोला छाप डॉक्टर हो जाए सावधान, कार्रवाई के मूड में है जिला प्रशासन। बीते दिनों झोला छाप डॉक्टर जो घर में क्लिनिक खोलकर बैठे हैं और मरीजों से पैसे वसूलने का काम कर रहे हैं और उनके जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, उन लोगों पर जिले के एसडीओ अरविंद कुमार के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया था, जिसमें कुड़ू प्रखंड के ग्राम के एक मैट्रिक फेल झोला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई की गई थी। इसी क्रम में एसडीओ ने बताया कि वैसे डॉक्टर जो दवा का नाम भी नहीं जानते और क्लिनिक खोलकर इमरजेंसी पेशेंट का भी इलाज कर रहे हैं, वैसे लोगों पर जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी। वहीं उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से यह धारणा चल रही थी कि वैसे डॉक्टर जो अप्रशिक्षित और उन्हें प्रशिक्षण देकर काबिल बनाया जाए और उन्हें छोटे मोटे बीमारी का इलाज कर पाए, परंतु यह देखा गया कि महामारी के दौर में जहां लोग इलाज के लिए परेशान दिख रहे थे, वहीं ऐसे डॉक्टर जो दवा के नाम भी नहीं जानते वह अपने आप को बहुत काबिल बताकर लोगों के जान से खिलवाड़ कर रहे थे, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की काम की गई। उन्होंने यह भी बताया कि जो लोग दूर दराज पर मरीजों को देख रहे हैं वह कोरोना के सिस्टम वाले मरीजों को अपने पास इलाज ना कर कर प्रशिक्षित डॉक्टर एवं सदर अस्पताल भेजे, जिससे कि उनकी जान बच पाए और बेहतर इलाज हो पाए। खबर 365 न्यूज के लिए लोहरदगा ब्यूरो अमर गोस्वामी की रिपोर्ट। जो हमारे क्लर्क्स हैं और प्रशिक्षित डॉक्टर, उनके लिए झोला छाप डॉक्टर का नाम भी आता है, इस पे बहुत कठोर कार्रवाई का हम लोगों ने अभी तक कोई नहीं किया। ज़्यादा बेटर हम लोग मानते थे कि शायद उनको प्रशिक्षित कर लेंगे, उनका सहयोग लेंगे, ये भी एक धारणा चल रही थी। पर्पस ये था कि ये लोग लंबे समय से गाँव में दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को कुछ चिकित्सीय सुविधा SOS दे रहे हैं, लेकिन इस महामारी के दौर में देखा गया कि वो लोग खुद जानकार नहीं हैं और जानकार होने का दावा कर रहे हैं। और जब तो क्लर्क्स से मेरा ये है कि एक तो वो लोग पेशे साथ कोरोना का डील नहीं करें, अगर है तो खुद पर वो नहीं रखते, लोगों को सलाह दें और उनको चिकित्सीय जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, सदर अस्पताल है या PHC है, वहाँ भेजें, अपने पास रख करके लोगों को जान से खिलवाड़ न करें। वो आज जो वर्तमान में है जो सिम्टम्स हैं, सर्दी खांसी बुखार होना, बदन दर्द होना, डायरिया होना, आँख का लाल होना, ये जो केसेज हैं ये कोरोना के लक्षण हैं, तो उसमें जो पुराना उनका माइंडसेट था कि दवा दे देंगे तो ठीक हो जाएगा, उससे परहेज करें, उनको सलाह दें। दवाई तुम्हारा ऐसे भी है, कुछ दवाएँ जो घर में लोगों को ऐसे ही दिया जा रहा है वो भी दे सकते हैं, लेकिन उसको सही परामर्श दें कि आप चले जाएँ PHC, अपने नज़दीकी जो डॉक्टर हैं क्वालिफाइड उनके पास चले जाएँ, उनसे सलाह लेकर तब इलाज करें, वो स्वयं वहाँ पर उसका इलाज न करने लगे, वहाँ खतरा है और वहाँ पर लोग एक हॉस्पिटल के तहत वर्क करने लगेंगे, ये खतरा है, उससे हम लोग उस पर कड़ाई भी कर रहे हैं और भी कड़ाई करेंगे, ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे जो लोगों को दिग्भ्रमित करके सब कार्य कर रहे हैं, उनके हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे, उसका अभियान अब शुरू हो चुका है और हम लोगों का ध्यान अब वहाँ रहेगा, क्योंकि भविष्य में आने वाले खतरों को भी देखते हुए इसको हम लोग ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।